देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए वोट दिए, बीजेपी के लिए वोट दिए हमने। तुष्टिकरण का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं। मोदी पर दिया था, विकास के मुद्दे सही हो रहा है कि सब नियम कानून से सही कर रहे हैं। देश में ये रहे कि रोजी रोटी का हो, रोजगार का हो और सुरक्षा का भी होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं ये जनता के लिए कुछ करे, बढ़िया काम करे, ये देश के लिए, देश का विकास हो बस। पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि लाइक ऐसा कुछ भी होता होगा अपने देश में। हम सब गुलाम मतलब जॉब ही करते थे, 8 to 90 जॉब है ना, 8 घंटे की जॉब। लेकिन अभी क्या है कि सब में यही लगता है कि भाई हम भी कुछ अपना करें विकास को लेकर। इसका मेन मुद्दा है विकास, विकास का विकास होना चाहिए देश में और जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मुद्दा यह है जो आजकल के जनसंख्या बच्चे पढ़ रहे हैं इनको रोजगार मिले, मेन सुरक्षा मुद्दा सर वही है, रोजगार और सुरक्षा के लिए करके। हमारे देश का सुरक्षा करे, शौचालय बनवावे, रोड बनवावे। हमारा तो बस हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे विधायक है 5 साल में ना झुग्गी आए, ना हमारे बीच आते और ना खड़े होते, तो हम ऐसे विधायक को नहीं चाहते। देश का बढ़िया से करे। महंगाई भी ज़्यादा हो गया है, बजट वो ऊपर बढ़ रहे हैं। गैस का था 500 रुपये पहले मिलता था, तो अब 1000 रुपये पार होने वाले हैं। खुश हैं वोट दे के बहुत। कोई जीत जाए वही जनता की सम्मान करे, गोली से न मारे। मैं तो चाहिए हिंदुस्तान शक्तिशाली हो, तो मोदी जी का जोगी जी का इसे और शक्तिशाली हो जाएगा। इतना दिन कांग्रेस किया करा, इतना साल ज़्यादा साल कांग्रेस किया करा, कुछ नहीं करा। शासन व्यवस्था सही रहा तो वोट दिया। इस सरकार में आज तक कोई सरकार राशन पानी गरीबों तक नहीं पहुंचाया। आज किरायेदारों को भी राशन पानी मिलता है, सुरक्षा मिलता है, बेटी बहन की सुरक्षा। मैं इसलिए दी हूँ वोट, हम लोग पढ़े लिखे आदमी, हम लोग को काम नहीं है कोई चीज़, घर बैठे हैं। आप पहले सबसे पहले शाही दिखा दीजिए और लोगों को ताकि पता लगे। शाही दिखा दीजिए उंगली, ठीक ठीक शाही नहीं लगी, वोट दे दिया। ऐसे कैसे हो सकता, भूल गए। अच्छा भूल गए, ठीक। अपना नाम? सुशील शर्मा नाम है मेरा। तो आप ये बताइए किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट दिया? देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए वोट दिए, बीजेपी के लिए वोट दिए हमने। राष्ट्रीय मुद्दा ये? राष्ट्रीय मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, तुष्टिकरण का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं और रोजगार के मुद्दे हैं। और देखो वो कितने हथियार आ गए हैं, अब हथियार बनाने लगा भारत। पहले कुछ था यहाँ, 10-20 साल से कोई एक हथियार नहीं खरीदा था इन्होंने, सब पैसे को खा जाते थे। राफेल आ गया, देखो S-400 आ गया, डिफेंस सिस्टम आ गया, और कितनी सड़क बननी है, कितने रोजगार है, कितने काम है। अभी कंपनी आएंगी बाहर से, देखो यहाँ कोई कंपनी की बाढ़ लगने वाली है, क्योंकि सरकार अच्छी है, सरकार की नीति अच्छी है। पहले तो ये पिस्टल भी बाहर से मंगाते थे 40% कमीशन चक्कर में। जो देश पोखरण का परीक्षण कर सकता है वो बाहर से पिस्टल लाएगा। ने वोट दे दिया? हाँ। आप शाही दिखा दीजिए लोगों को, ये देखिए शाही। सबसे पहले आपका नाम? दुर्गावती देवी। किस पर्पज को लेकर आपने दिया है कि मतलब आपको ये कुछ सुविधाएं मिली हैं कि नहीं मिली? मोदी पर दिया था, कमल। अच्छा ठीक ठीक ठीक। आपने किस मुद्दे को लेकर? कमल साहब पर। सबसे पहले ये देखिए इनके हाथ में शाही भी है, और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राम राजकुमार। तो आप ये बताइए किस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया है? विकास के मुद्दे। विकास के मुद्दे, आपको क्या लगता है विकास हुआ कि नहीं हुआ? है हुआ है। हाँ। तो आप यही चाहते हैं विकास होता रहे? विकास होता रहे जी। आपका नाम क्या है? विद्यानंद सिंह। तो आप ये बताइए आपने किस मुद्दे को लेकर वोट दिया इस बार, और आप तो इतने चुनाव देख चुके हैं, अलग अलग मुद्दे रहेंगे, इस बार के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे के मतलब क्या काम हो रहा है कि या आप कुछ और चाहते हैं जो आपका नहीं हुआ है? आपके लिए तो सही हो रहा है। आपके लिए सही हो रहा है, क्या क्या सही हो रहा है? सही हो रहा है कि सब नियम कानून से सही कर रहे हैं। अच्छा मतलब आप सुरक्षा की बात? जी हाँ, पहले ये नहीं था? जी हाँ, पहले कुछ कम था नियम कानून। तो आपका एक मुद्दा था कि सुरक्षा का मुद्दा है? जी हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा मुद्दा रहा सर, इस सरकार में आज तक कोई सरकार राशन पानी गरीबों तक नहीं पहुंचाया। आज किरायेदारों को भी राशन पानी मिलता है, सुरक्षा मिलता है, बेटी बहन की सुरक्षा। रात के 12 बजे अगर लड़कियां घूम ले तब भी कोई पूछने वाला नहीं है, सुरक्षित घर जाती है। सब कुछ इस सरकार में सुविधा सरकार ने दिया, इसलिए हम उस पर वोट किए, विकास के नाम पर वोट किए। विकास के नाम पर वोट किए आपने किस पे? आप युवा हैं, शाही भी दिख गई है, इसका मतलब वोट दे के आ चुके हैं, बटन दबा रहे थे। क्या ख्याल आया, क्यों दे रहे हैं वोट?
हम सर उनको इसलिए वोट दे रहे हैं बीजेपी को कि नहीं, बीजेपी की बात नहीं, मुद्दा क्या था युवा का? मुद्दा ये है कि जो पहले एक बार राशन मिलता था, अब डबल राशन मिलते हैं, हर चीज़ अच्छा ही हो रही है, गलत काम नहीं हो रहे, दंगे फसाद नहीं हो रही है, बेटी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित, इसलिए हम उनको वोट दिए हैं। नाम सुभाष दास, आप शाही दिखा दीजिए लोगों को ताकि और लोग भी यहाँ पर आ जाएं और वो वोट करें। तो ये बताइए मुद्दे क्या थे भाई साहब? मैं तो चाहिए हिंदुस्तान शक्तिशाली हो, तो मोदी का मोदी जी का जो जी का इसे और शक्तिशाली हो जाएगा, मैं इसलिए उनको वोट दे दिया। तो अलग की बात है, लेकिन आपके पर्सनल मुद्दे क्या रहे? आप पर्सनल क्या है भैया, मैं तो बहुत, मेरा सोना मेरा अमृत इतना नहीं, मैं ज़्यादा सोना जे इतना दिन कांग्रेस किया करा, इतना साल ज़्यादा साल कांग्रेस किया करा, कुछ नहीं करा। ये 5 साल में योगी मोदी जो करा, ये हिंदुस्तान लगे, हिंदुस्तान का लगी, हिंदुस्तान में भाग्य भालो जे मोदी योगी आ गया, इसीलिए हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए क्या मुद्दे रहे आप? मुद्दे कुछ नहीं, शासन व्यवस्था सही रहा तो वोट दिया। आपने शासन व्यवस्था सही थी इसलिए वोट दे दिया? वोट दे दिया। और कोई मुद्दे नहीं? कोई मुद्दे नहीं हमारे, बस सुरक्षा सुरक्षा। शिवम मौर्य। शिवम मौर्य, ये बताइए आपने क्या मुद्दे थे आपके? आप युवा हैं और फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, उत्साह भी इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं, ये बताइए मुद्दे क्या थे आपके? सर मुद्दे मेरे काफ़ी सारे थे, जैसे लाइक जो न्यू हमारी गवर्नमेंट थी, इसने काफ़ी सारा एंटरप्रेन्योर को प्रमोट किया, लाइक स्टार्टअप टाइप, और आई थिंक जो मुझे नीड है इस टाइम, इसी टाइप की मोटिवेशन की नीड है, लाइक हम खुद कुछ ऐसा करें कि कुछ अलग हो सबसे, यही है। और मेरा भी यही सपना है कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूँ। तो आप एक, इससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि लाइक ऐसा कुछ भी होता होगा अपने देश में, हम सब गुलाम मतलब जॉब ही करते थे, 8 to 90 जॉब है ना, 8 घंटे की जॉब, लेकिन अभी क्या है कि हर सब में यही लगता है कि भाई हम भी कुछ अपना करें, तो मेरा तो बस एक ही छोटा सा, बाकी तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए काम तो वही है, बस लोगों की कुछ नई सोच होती है, वो डिपेंड होती है बस जी। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर की आप सोच देख सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, ये नहीं कि खुद को रोज़गार के लिए औरों के लिए भी सोच रहे हैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद पंकज कुमार साहब। तो आप भी वोट देने जा रहे हैं? अभी तो हमारा सेक्टर 12 भावराज में पड़ा हुआ है। तो आप ये बताइए मुद्दे क्या हैं इस बार, जब वोट दबाएंगे आप, बटन दबाएंगे किसी पार्टी के सामने, तो मुद्दे क्या रहेंगे आप? तो मत की दान है वो, अंदर अंदर जाने के बाद। हाँ हाँ, तो यही पूछ रहे हैं हम, इस किस मुद्दे को लेकर देने जा रहे हैं? विकास को लेकर। विकास को लेकर? विकास हो रही है, विकास हो रहा है। हाँ तो आप समझ सकते हैं किसको देने जा रहे हैं। देखिए वोट देकर लोग बाहर निकल रहे हैं। आपका नाम क्या सर? स्वदेश कुमार। तो आप ये बताइए सर, आप कई चुनाव आपने देख लिए, इस बार के मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? इसका मेन मुद्दा है विकास। विकास का? विकास होना चाहिए देश में और जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप ये सोचते हैं कि यूपी में जो जातिगत राजनीति होती आ रही है वो बंद होनी चाहिए? वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और मेन मुद्दा होता है विकास, रोजगार। आज के युवा को चाहिए विकास, चाहिए रोजगार, चाहिए शिक्षा, चाहिए जी। तो ये सब मुद्दे हैं हमारे जिस पे हम वोटिंग कर रहे हैं। आपने सबसे पहले दर्शकों को शाही दिखा दीजिए, ये देखिए शाही। और आप ये बताइए आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। तो आप ये बताइए आपके मुद्दे क्या रहे इस बार? सुनील कुमार के मुद्दे क्या रहे? मुद्दे में ये रहे कि रोजी रोटी का हो, रोजगार का हो, और सुरक्षा का भी होना चाहिए। इस बार काफ़ी महंगाई है, सिलेंडर भी बहुत महंगे हो चुके हैं, गरीब आदमी से इतना खर्च हो नहीं पा रहा, पढ़ाई में भी लिखाई में। तो ये चाहिए कि आगे से ऐसा सरकार जो बने जो हर गरीब को सुरक्षा में हो, और सिलेंडर भी कम हो, और कंपनियों का काम चलते रहे, रोजों का लोगों का रोजी रोजगार चलते रहे जी। तो इनका मुद्दा था महंगाई और रोजगार का मुद्दा, है ना? सबसे पहले आप शाही दिखा दीजिए। शाही, तो ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं। अच्छा ठीक ठीक ठीक, शाही लग चुकी। सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। तो आप ये बताइए मुद्दे क्या रहे, आपने वोट दे दिया है जी, वोट का बटन दबाते समय आपके दिमाग में क्या ख्याल आए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं क्या करे वो आपके लिए? वो हमारे लिए क्या कहते हैं, हम तो यही चाहते हैं ये जनता के लिए कुछ करे, बढ़िया काम करे, ये देश के लिए, देश का विकास हो बस। आपने देश को लेकर? हाँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद। देवेंद्र कुमार है। तो आप ये बताइए सर आपके मुद्दे क्या रहे इस बार, जब वोट का बटन दबा रहे थे आप, मुद्दे किस मुद्दे को सोच के आप? हमारा मुद्दा ये है जो आजकल के जनसंख्या बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको रोजगार मिले है, बस सबसे बड़ा दिक्कत हमें यही है, इनको रोजगार मिल जाए। कोई बच्चों को तो रोजगार मिल जाएगा, और भी मुद्दे तो होंगे, एक रोजगार ही मुद्दे, रोजगार जैसे काम धंधे बच्चे परेशान है, सबको हिल रोजी मिल रहा और अपना सुख शांति से रहे, बस ये चीज हम ये चाहते हो। धन्यवाद मैम, आपने भी वोट दे दिया, किस मुद्दे?
बोल रहे हैं भाई, वोट दे के आ चुके हैं। आप बना अभिषेक गुप्ता, अभिषेक गुप्ता आप ये बताइए, अभिषेक गुप्ता जी आपका मुद्दा क्या रहा इस बार, अभिषेक गुप्ता जी का मुद्दा क्या रहा? सुरक्षा, सुरक्षा मेन सुरक्षा, मतलब यूपी की जनता को सुरक्षा एक अहम मुद्दा, मेन सुरक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य और फिर शिक्षा। धन्यवाद। आपका नाम? आप भी वोट? चंद्र पासवान जी सर, दे दिए। तो इन्होंने भी वोट दे दिया। आप ये बताएं मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा सर वही है, रोजगार और सुरक्षा के लिए करके। धन्यवाद। हमारे देश में सबसे बढ़िया काम करे, हमारे देश का सुरक्षा करे, शौचालय बनवावे, रोड बनवावे, पब्लिक के सुरक्षा दे, नौकरी दे, इसी देखते हुए हम लोग मतदान किए। इतने मुद्दे गिना दिए कई लोगों, तो मुद्दे ही पता नहीं। नहीं नहीं, हम तो यहाँ करीब 30 साल से रहते हैं। अच्छा। जब भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है तो हम वोट डालते हैं, अपना ड्यूटी हर्जा करके भी डालते हैं। लोगों को क्या कहेंगे आप जो वोट नहीं देते लेकिन बोलते रहते हैं कि इसको वोट करें उसको वोट करें, लेकिन वोट नहीं, जो वोट नहीं देते वो गलत करते हैं, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट सरकार का हम नागरिक हैं, तो हमें वोट देना उचित है, या हम कहीं रहे देश में किसी भी जगह पे रहे हमारा वोट देना उचित है। मतदान कर दिया सर? आप मतदान कर दिया? आप ये बताइए मुद्दे क्या रहे आपको, नाम क्या? मैं तो ये मुद्दा कुछ नहीं कहना चाहता, हमारा तो बस हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे विधायक है 5 साल में ना झुग्गी आए, ना हमारे बीच आते और ना खड़े होते, तो हम ऐसे विधायक को नहीं चाहते। तो आपने वोट, आप नाम क्या? प्रतिमा देवी। तो क्या मुद्दे रहे? देश का बढ़िया से करे, वही है, हमारा भी मन था कि दे दे, तो लड़के कलवाए तो हम दे दिए, मेरा लड़का रहा मोहम्मद अयूब जी। तो आप ये बताइए मुद्दा क्या रहा मोहम्मद अयूब का? सर मुद्दा तो यही है कि यहाँ बेरोजगारी है और वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम हो गया है, और नौकरी भी किसी को नहीं मिल पाता सही, मतलब महंगाई भी ज़्यादा हो गया है, बजट वो ऊपर बढ़ रहे हैं, गैस का था 500 रुपये पहले मिलता था, तो अब 1000 रुपये पार होने वाले हैं, 1000 रुपये करीब हो ही गए हैं गैस का, और सब्जी वगैरह का भी दाम बढ़ गए हैं। आपको लगता है कि कई सरकारें बोलती हैं कि उन्होंने काम किए, कुछ मिला है सरकार में आपको? नहीं सर, मेरे को तो कुछ नहीं लगता है कि मिला है, बस हम नया चाहते हैं कि युवा हैं नया शक्ति को आगे लाएँ, इसीलिए हम दूसरे को वोट दे रहे हैं। खुश हैं वोट दे के? बहुत। कोई जीत जाए वही जनता की सम्मान करे, गोली से न मारे। अच्छा, बस यही बात है, रात बिरात निकालते हैं फेरते हैं औरत, तो औरत ही खाओ है, महंगाई तो ऐसी कि आज तक ना ऑनलाइन में काऊ को खाओ ना वे खाओ, यही मिल जाते है, काट को ही खाते हैं, मेहनत से खाते हैं। अब जैसो करे जनता है, जौन जीते सबका भला करे, जेके पीछे हम आओ करें। आपने दे दिया वोट? हाँ वोट दे दिया। आप ये बताइए आपने वोट दे दिया है, ये बताइए मुद्दे क्या? सर मुद्दा महंगाई का था। अच्छा, ठीक है। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ की नोएडा की बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन इस चीज़ को अभी जो चल रहा है, जैसे गरीबों के लिए इन्होंने राशन कार्ड में दो दो बार राशन बंटवाए, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिली है, यही देखते हुए वोटिंग करके आए हैं। ये देखिए शाही लग चुके हैं। नाम क्या आप? नीलमणि नाम है मेरा। तो आपने वोट किस मुद्दे को लेकर दिया? मैं इसलिए दी हूँ वोट, हम लोग पढ़े लिखे आदमी, हम लोग को काम नहीं है कोई चीज़, घर बैठे हैं, तो हमें कुछ काम चाहिए। हाँ, तो कई लोग कई कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाँ, कई महिलाएं बोली थी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा है? हाँ, एक मुद्दा ही है, मतलब महिलाओं को सुरक्षित रखे, सब महिलाओं सबको रोजगार मिले, घर मिले, जिसको घर नहीं है उसको घर मिले। ठीक है, आपका क्या मुद्दा रहा? अब मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब जो परेशानी पूरे देश में है सबकी, वो परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा। सबकी मुद्दा ये होना चाहिए कि जो महंगाई बढ़ रही है आज की डेट में, ये होती है कि सिलेंडर का रेट क्या था, आज के रेट में क्या हो रही है, पढ़े लिखे भी बेरोजगारी हो रही है, उन लोग को काम नहीं मिल रहा, भटक रहे, उन लोग को काम मिलना चाहिए। आपका नाम बताइए? सुशील कुमार चतुर्वेदी। तो आप पहले शाही दिखा दीजिए ताकि और लोग भी प्रेरित हों आपकी तरह। तो ये देखिए, ये शाही का वो निशान है जो वोट देने के पहले लग जाता है, और अब इन्होंने वोट दिया। किस मुद्दे पर वोट दिया? मैं जिस मुद्दे पर वोट दिया हूँ, मैं तो कमल को ही वोट दिया हूँ। मुद्दा क्या रहा? नहीं नहीं, पार्टी का हमें ये नहीं जानना है कि किस, हम ये जानना चाहते हैं कि बाकी जो अभी आ रहे हैं चरण, जो चुनाव होने वाले 7 चरणों में,
उन लोगों को पता चले कि इस बार यहाँ के लोगों ने किस मुद्दे पर। अब एक्चुअली ये तो सबके अलग अलग हैं, अब मेरा मुद्दा ये है कि काम बढ़िया कर रहे हैं। आपने दे दिया वोट? हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल दे दिए। पहले आप शाही दिखा दीजिए और लोगों को, और पहले फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं जी, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम जी। तो आप युवा हैं, आप ये बताइए किस पर आपने वोट दिया, किस मुद्दे पर दिया? हम तो चाहते हैं जी, जैसे कि मैं एजुकेटेड हूँ, हम चाहते हैं ऐसा नेता मिले ताकि हमें कुछ जॉब वॉब प्रोवाइड करे, हमें आगे के लिए प्रेरणा दे कि भैया आप ऐसा करो। राष्ट्र के मुद्दा है कुछ नहीं, ओनली रोजगार, ओनली रोजगार। ये देखिए फिर मतदाता बाहर आ रहे हैं वोट देके, इन पे शाही भी लगी हुई है, तो सबसे पहले आप ये बताइए सर किस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया? सर पहली बात तो विकास, पहली बात शिक्षा यहाँ पे बढ़िया नहीं है, शिक्षा के लिए लड़के लोग सही से पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, शिक्षा सही बढ़िया नहीं है शिक्षा के लिए, और हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए। देखो जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता कमा खा लेगा, हाथ पैर दिया हुआ है भगवान ने, ठीक है, केवल बच्चे के लिए दो जो चीज़ मिल जाए कि स्कूल बढ़िया हो जाए और केवल और एक हॉस्पिटल बढ़िया हो जाए जो इलाज सही हो सके। और जो आपने सुरक्षा की बात की, क्या लगता है आपको सुरक्षा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, ये तो है कि क्राइम खत्म हो गया यहाँ पे, बाकी लेकिन क्राइम से नहीं मतलब है ना, पेट क्राइम से नहीं भरेगा ना, मतलब बच्चे भी सही सुरक्षित पढ़ना चाहिए आदमी, स्कूल बढ़िया होना चाहिए। और स्कूल दिल्ली में बढ़िया क्यों है, केजरीवाल क्यों नाम हो रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पे पार्टी ना किसी इंसान का, यहाँ पे मुद्दों की बात हो रही है। तो वही तो कह रहा हूँ भैया, स्कूल बढ़िया होना चाहिए यहाँ पे और शिक्षा बढ़िया होना चाहिए, शिक्षा जब मिलेगा ना तो अपना भी हम लोग अपना हक ले लेंगे। ठीक ठीक, सबसे पहले शाही दिखा दीजिए और आपका नाम क्या? मेरा नाम सेना है। तो आप ये बताइए किस मुद्दे को लेकर आपने इस बार वोट दिया? किस मुद्दे को लेके, मतलब जैसे कि हम लोग के लिए अच्छा करे, गरीबों के लिए कुछ करे तो अच्छा करेगा। नहीं नहीं, आपका जिस पर आपने वोट दिया है किस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप एक महिला भी हैं, सेफ्टी काफ़ी लोग बोल रहे हैं, महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा है, तो आपका क्या मुद्दा रहा पर्सनल? हमारा क्या मुद्दा यही है कि हम लोगों को हेल्प ही मिले किसी चीज़ की, जैसे हमें किसी चीज़ की परेशानी हो तो हमारे लिए सोल्यूशन करेगा। जी धन्यवाद। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप युवा हैं, आप ये बताइए सबसे पहले नाम बताइए और शाही भी दिखा दीजिए। जी मेरा नाम कृष्णा है। शाही नहीं नहीं, ये उंगली का शाही। तो बताइए आपके मुद्दे क्या रहे? ऐसे तो वोट देने में अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम था, थोड़ा नर्वस फीलिंग भी कर रहा था, तो ऐसे तो सुविधा बहुत बढ़िया था तो मुझे वोट देने अच्छा लगा, बस यही कहना चाहता हूँ। आप युवा हैं, आपने अपना उत्साह भी बताया और कितनी दिलचस्पी थी चुनाव में, हमारे जो देश के चुनाव में, आप ये बताइए युवा का मुद्दा क्या है? युवा का मुद्दा जी जो होता है जी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सभी। नहीं ये है ना, आपने किस मुद्दे को सोच के बटन दबाया हो? जी उस मुद्दे को सोच के बटन दबाया जो अच्छा लगता है, जो सुविधा देता है, जो मतलब जनता का सोचता है वो होता है, तो उस सुविधा को सोच के ही मैंने वो बटन दबाया। सोची जा रही है और जनता का हेल्प भी हो रहा है बहुत कुछ, तो उस मुद्दे को सोच के मैंने बटन दबाया।